हेलो माय डियर फ्रेंड्स वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल इशरी डिवाइस सुख का न्याय स्वागत तो फ्रेंड्स आज मैं हाजिर हूँ फिर से एक न्यू वीडियो के साथ और आज हम करने वाले हैं बीएससी एस सी सेमेस्टर की केमिस्ट्री जो कि माँ शाहकुमरी यूनिवर्सिटी है उसका पेपर का आंसर की सॉल्व करने वाले हैं तो लेट्स स्टार्ट फ्रेंड्स फर्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं द इलास्टिक स्कैटरिंग ऑफ फोटोन इज़ कॉल्ड एज द इसका आंसर हो जाएगा बी यानी कि रियाले स्कैटरिंग सेकेंड क्वेश्चन है रमन इफेक्ट इज स्केटरिंग ऑफ तो इसका आंसर हो जाएगा डी यानी कि फूटोन थर्ड क्वेश्चन है द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज डिफाइंड बाय द क्वांटम नंबर दैट इज डिनोटेड एज तो इसका आंसर हो जाएगा बी यानी कि एल फोर्थ क्वेश्चन है आपका हु सक्सेसफुली एक्सप्लेन द फिनिना ऑफ इलेक्ट्रो सॉरी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट तो इसका आंसर हो जाएगा ए मीन्स आइंस्टीन ओके फ्रेंड्स तो इसके पहले मैंने आपको फिजिक्स की वीडियो की आंसर की भी प्रोवाइड की थी तो आप उसे भी देख सकते हैं आंसर की ओके okay, फ्रेंड्स और फिफ्थ क्वेश्चन हम आगे देखते हैं दिए हुए यहाँ पर सेपरेशन ऑफ आयन्स इन मास स्पेक्ट्रोमीटर टेक प्लेस ऑन द बेसिस ऑफ विच ऑफ़ द फॉलोइंग तो so, इसका आंसर हो जाएगा डी यानी कि मास टू चार्ज रेशो सिक्स क्वेश्चन है हमारे पास विच ऑफ़ द फॉलोइंग प्रॉप्स आर यूज फॉर द इंट्रोडक्शन ऑफ सैम्पल तो इसका आंसर हो जाएगा एमिन सिलिका सेवेंथ क्वेश्चन है लॉ स्टेट्स दैट द इंटेंसिटी ऑफ लाइट डिक्रीज विद द रेस्पेक्ट तो इसका आंसर हो जाएगा ए कंसंट्रेशन एट्थ क्वेश्चन है द स्पेक्ट्रा कैन बी ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज दे आर तो इसका आंसर हो जाएगा ए मींस एटॉमिक एंड मोलिकुलर स्पेक्ट्रा नाइन्थ क्वेश्चन आगे देखते हैं यहाँ पर दिया हुआ है द वाइब्रेशनल स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल डिपेंड्स ऑन तो इसका आंसर हो जाएगा सी सीम्स बोथ ए एंड बी मीन फोर्स कॉन्स्टेंट एंड ऑफ टू एटम्स बोथ क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिया हुआ है ऑफ द द फॉलोइंग आर टू बी लोएस्ट फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन तो इसका आंसर हो जाएगा डी मींस रेडियो वेव्स एलेवेंथ क्वेश्चन है थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी इज तो इसका आंसर हो जाएगा सी मींस एट दिन क्रोमेटोग्राफी ट्वेल्थ क्वेश्चन है क्रोमेटोग्राफी इज अ फिजिक फिजिकल मैथड दैट इज यूज टू सेपरेट तो इसका आंसर हो जाएगा बीमिंस कॉम्प्लेक्स मिक्सचर ओके आगे हम देखते हैं फ्रेंड्स थर्टीन क्वेश्चन है इन क्रोमेटोग्राफी द ग्राफ ऑफ क्रोमेटोग्राम इज ऑप्टेन्ड इन बिटवीन टाइम एंड तो इसका आंसर हो जाएगा सीमिंस कंसनट्रेशन फोर्टीन क्वेश्चन है रोटेशनल रमन स्पेक्ट्रो ऑफ अ कंपाउंड रिजेंबल्स तो इसका आंसर हो जाएगा आपका फोर्टीन का डीमिंस फार इंफ्रा इंफ्रा रेड 15 फिफ्टीन क्वेश्चन है सी ई एटॉमिक नंबर फिफ्टी एट इज अ नंबर ऑफ सॉरी इज अ मेंबर ऑफ तो इसका आंसर हो जाएगा डी मिनस एफ ब्लॉक सिक्सटीन क्वेश्चन है आपके पास क्रोमेटोग्राफी विद सॉलिड स्टेशनरी फेज इज कॉल्ड तो इसका आंसर हो जाएगा डी मिन्स एब्जॉरपन क्रोमेटोग्राफी आगे देखते हैं फ्रेंड्स यहाँ पर दिया हुआ है सेवनटीन नंबर का क्वेश्चन आयन चेंज क्रोमेटोग्राफी इज बेस्ड ऑन द तो इसका आंसर हो जाएगा ए इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन एटीन क्वेश्चन है आपके पास बामर सीरीज इन द स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन आइटम लाइज इन तो इसका आंसर हो जाएगा बी विजिबल रीजन नाइनटीन क्वेश्चन का आंसर देखते हैं क्या होता है तो इसका क्वेश्चन है पहले हाउ एनिल एंड क्लोरोफॉम कैन बी सेपरेटेड तो इसका आंसर हो जाएगा डी सी सॉरी ड्रिस्टिलेशन ट्वेंटी नंबर का क्वेश्चन है द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन एटॉमिक ऑर्बिटल इज ऑलवेज तो इसका आंसर हो जाएगा ए डिफरेंट ओके और आप बाकी बात करते हैं ट्वेंटी वन नंबर के क्वेश्चन की तो ये दिया हुआ है एन एम आर स्पेक्ट्रोस्कोपी इज यूज फॉर द डिटरमाइनिंग स्ट्रक्चर इन विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल तो इसका आंसर हो जाएगा सी मीन्स लिक्विड ट्वेंटी टू नंबर का क्वेश्चन है विच टू बॉमबर्ड विद अ सैंपल फॉर विच मास स्पेक्ट्रोस्कोपी हैज़ बिन परफॉर्म्ड तो इसका आंसर हो जाएगा आपके पास सीमेंस इलेक्ट्रॉन्स ट्वेंटी थ्री नंबर का क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज हाइएस्ट लैमडा मैक्स तो इसका आंसर हो जाएगा बी मीन्स वन थ्री फाइव ब्यूटे ब्यूटा ट्राइन ओके फ्रेंड्स आगे हम देखते हैं ट्वेंटी फोर नंबर का क्वेश्चन तो वो है हाउ इज मिक्स मिक्सचर ऑफ आइसोप्रोपिल एल्कोहल एंड वाटर इज सेपरेटेड तो इसका आंसर हो जाएगा बी टू स्टेप डिस्टिलेशन ट्वेंटी फाइव नंबर का क्वेश्चन है द ऑर्बिटल विद एन इक्वल टू थ्री एंड एल इक्वल टू टू तो इसका आंसर हो जाएगा सी मिन्स थ्री डी ट्वेंटी सिक्स नंबर का क्वेश्चन है द कलर ऑफ पोटेशियम पर सॉल्यूशन इज ड्यू टू तो इसका आंसर हो जाएगा सी मिन्स डी टू डी स्टार

तो इसका आंसर हो जाएगा ट्वेंटी नाइन का बी अ कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी थर्टी नंबर का क्वेश्चन दिया हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग मशीन डू नॉट रिक्वायर अ केमिकल सेपरेशन टेक्निक तो इसका आंसर हो जाएगा सी मीन्स कॉफी मशीन थर्टी वन नंबर का क्वेश्चन दिया हुआ है विच ऑफ़ द फॉलोइंग सेपरेशन टेक्निक एक्सप्लॉयस डिफ्रेंसेज इन इलेक्ट्रिक चार्ज एंड डिफ्यूसिविटी तो इसका आंसर हो जाएगा आपके पास बी मीन्स इलेक्ट्रोफोरिस थर्टी टू नंबर का क्वेश्चन है अभी पास है वाइब्रेशनल ट्रांसलेशन एग्जिस्ट एग्जिस्ट इन तो इसका आंसर हो जाएगा ए इंफ्रारेड रेड थर्टी थ्री नंबर का क्वेश्चन है एन ऑक्सोक्रोम इन विच इज़ इस, तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑल ऑफ दिज मीन्स कलर इन्हेंसिंग अ ग्रुप विद लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सी का हो जाएगा सी मीन्स बी हो जाएगा एक्सटेंडिंग कॉन्जुगेशन तो इसका आंसर हो जाएगा थर्टी थ्री का डी ऑल ऑफ दिज थर्टी फोर नंबर का क्वेश्चन है हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स शिफ्ट अल्ट्रा वायल ऑब्जर्वेशन टू तो इसका आंसर हो जाएगा बी शॉर्टर वेव ओके आगे हम बात करते हैं थर्टी फाइव नंबर के क्वेश्चन की जो कि थोड़ा ब्लर है बट हम पढ़ने की कोशिश करते हैं क्वेश्चन लिखा हुआ है द आइजो आयोनाइजेशन एंड फ्रैगमेंटेशन ऑफ द मोलिक्यूल इनटू स्पेक्ट्रम ऑफ फ्रेगमेंट आयन इज कॉज्ड बाय तो इसका आंसर सी हो जाएगा इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन बीन इम्पैक्ट ऑफ सेवेंटी इलेक्ट्रॉन वोल्व फ्रेंड्स थर्टी सिक्स नंबर क्वेश्चन देखेंगे रेडियो फ्रिक्वेंसी रेडिएशन आर यूज तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स बी मीन्स एन एम आर स्पेक्ट्रा थर्टी सेवन नंबर का क्वेश्चन है अल्ट्रा वायलट स्पेक्ट्रोस्कोपी इज यूजफुल फॉर द डिटेक्शन ऑफ तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑल ऑफ दिस मीन्स ए मतलब फंक्शनल ग्रुप एक्स एक्सटेंट ऑफ कंजुगेशन जोमेट्रिकल आइसोमर्स तो इसका आंसर हो जाएगा डी ओके थर्टी एट नंबर का क्वेश्चन है द बाथोक्रोमिक शिफ्ट इज ऑल्सो कॉल्ड एज तो इसका आंसर हो जाएगा ए मीन्स रेड शिफ्ट ओके थर्टी नाइन नंबर का क्वेश्चन आगे हम देखते हैं यहाँ पर दिया हुआ है बोहर्स एनर्जी फॉर हाइड्रोजन एटम इज इस तो इसका आंसर हो जाएगा ए मीन्स माइनस थर्टीन पॉइंट सिक्स इलेक्ट्रॉन वोल्ट फोर्टी नंबर का क्वेश्चन है आपके पास टोटल नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन फॉर एन बराबर फाइव इज़ इस, तो इसका आंसर हो जाएगा डी मीन्स टेन आगे हम बात करते हैं फोर्टी वन नंबर के क्वेश्चन की तो इसमें दिया हुआ एक्सप्रेशन फॉर डी ब्रॉगली इक्वेशन इज तो इसका आंसर हो जाएगा बी मींस लेमडाच अपॉन एम वी फोर्टी टू नंबर का क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्बिटल्स डज नॉट नोडल प्लेन तो ए इसका आंसर हो जाएगा मीन्स वन एस ओके आगे हम बात करते हैं फोर्टी थ्री नंबर के क्वेश्चन की तो फोर्टी थ्री नंबर का क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंगज सेम्बल सेंटीमीटर इन वर्स इन स्पेक्ट्रोस्कोपी तो इसका आंसर हो जाएगा डी वेव नंबर ओके फोर्टी फोर नंबर का क्वेश्चन है द ज़ीरो पॉइंट एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज़ इक्वल्स टू फ्रेंड्स इसका वैसे डाउटफुल है आंसर uh, बट मुझे ऐसा लगता है कि इसका आंसर सी होगा सो एच स्क्वायर अपॉन एट एम ए स्क्वायर होगा फोर्टी फाइव नंबर का क्वेश्चन है द इंटरनल एनर्जी ऑफ अ मॉलिक्यूल इज़ इक्वल टू तो इसका आंसर हो जाएगा डी मीन्स ऑल ऑफ अबोव रोटेशनल एनर्जी वाइब्रेशनल एनर्जी एंड ट्रांसलेशनल एनर्जी आगे हम बात करते हैं फोर्टी सिक्स नंबर के क्वेश्चन की आप देख सकते हैं आपके स्क्रीन पर यह है द वेवलेंथ ऑफ द मैटर वेव्स इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ द इसका आंसर हो जाएगा चार्ज यानी कि इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी फोर्टी सेवन नंबर का क्वेश्चन है सिलिका और एलुमिना यूज एज सॉलिड फेजेज इन तो इसका आंसर हो जाएगा ए टी एल सी फोर्टी एट नंबर का क्वेश्चन है विच ऑफ़ द फॉलोइंग इज़ यूज एज अ कैरियर गैस इन गैस क्रोमेटोग्राफी तो इसका आंसर हो जाएगा सी मीन्स हीलियम फोर्टी नाइन नंबर का क्वेश्चन है विच ऑफ द विच ऑफ फॉलोइंग एंड कैन एक्ट एज अ बोथ अ पार्टिकल एंड एज अ वेव तो इसका आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन जो होता है वो हमारा पार्टिकल नेचर भी शो करता है और वेव नेचर भी शो करता है ओके और आगे हम बात करेंगे फिफ्टी नंबर के क्वेश्चन की तो फिफ्टी नंबर का क्वेश्चन है ये विच टेक्निक इज ऑल्सो नोन एज कलर राइटिंग तो इसका आंसर हो जाएगा सी मीन्स क्रोमेटोग्राफी फिफ्टी वन नंबर का क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द टेस्ट विच इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ क्वालिटेटिव एनालिसिस तो इसका आंसर हो जाएगा डी मीन्स फ्लेम टेस्ट फिफ्टी टू नंबर का क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ मास स्पेक्ट्रोमेट्रिक टेक्निक तो इसका आंसर हो जाएगा डी एक्सरे सोर्स फिफ्टी थ्री नंबर का क्वेश्चन है द मॉलिकुलर आयन पीक इज यूजुअली इंटेंस फॉर तो इसका आंसर हो जाएगा ए मीन्स एरोमेटिक कंपाउंड फिफ्टी फोर नंबर का क्वेश्चन दिया हुआ है द मैकेनिज्म ऑफ सेपरेशन इन थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी यानी कि टी एल सी इज द इसका आंसर हो जाएगा ए एड ऑप्शन फिफ्टी फाइव नंबर का क्वेश्चन है ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर वाज प्रेडिक्टेड बाई तो इसका आंसर हो जाएगा बी लुइज डी ब्रॉगली फिफ्टी सिक्स नंबर का क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज़ मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वेव नंबर तो इसका आंसर हो जाएगा एम इन सी ट्रिपल बॉन्ड ओ फिफ्टी सेवन नंबर का क्वेश्चन है एम सी लेपरटरी रीअरेंजमेंट आयन पीक इन मास स्पेक्ट्रम इज यूजली द बेस बेसिक पीक फॉर तो इसका आंसर हो जाएगा बी की टोन्स अगर हम बात करें फिफ्टी सेवन नंबर के क्वेश्चन की तो आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा है विच टाइप ऑफ रेडिएशन इज नॉट एमिटेड बाय इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स तो इसका आंसर हो जाएगा डी मिंिन्स गामा रेज फिफ्टी नाइन नंबर का क्वेश्चन है हु डिस्कवर द मास स्पेक्ट्रोमीटर तो इसका आंसर हो जाएगा बी बीमिंस जे जे थॉमसन। सिक्सटी नंबर का क्वेश्चन आप देख सकते हैं दिया हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी दैट गवर्नज द एक्सटेंट ऑफ सेप्रेशन तो इसका आंसर हो जाएगा सी टेम्परेचर आगे देखते हैं सिक्सटी वन नंबर का क्वेश्चन दिया हुआ है द क्वांटम नंबर नॉट ऑब्टेंड फ्रॉम स्टोडेंजर वेव इक्वेशन इज तो इसका आंसर हो जाएगा डी मीन्स एस यानी कि स्पिन क्वांटम नंबर सिक्सटी टू नंबर का क्वेश्चन है द प्रोडक्ट ऑफ अनसर्टेनिटीज बिटवीन पोजिशन एंड मोमेंटम इज गिवन बाई तो फ्रेंड्स इसका जो आंसर है वो डाउटफुल है और अगर आपको पता है तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए कि इसका आंसर क्या हो सकता है सिक्सटी थ्री नंबर का क्वेश्चन है द पेयर ऑफ द कंपाउंड विच कैन बी डिस्टिंग बाई एन एम आर स्पेक्ट्रोस्कोपी आर तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑल ऑफ दीज ओके आगे देखते हैं सिक्सटी फोर नंबर का क्वेश्चन दिया हुआ है हाउ मैनी एन एम आर सिग्नल्स आर फॉर्मड फॉर टू क्लोरोप्रोपीन तो इसका आंसर हो जाएगा बी बी ऑप्शन हो जाएगा मीन्स थ्री ओके सिक्सटी फाइव नंबर का क्वेश्चन दिया हुआ है द एनर्जी ऑफ फोटोन इज गिवन बाई तो इसका आंसर हो जाएगा डी मीन्स एच वी यानी कि इक्वल टू एच वी सिक्सटी सिक्स नंबर का क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ बेंडिंग मोलिकुलर वाइब्रेशन तो इसका आंसर हो जाएगा बी मीन्स स्ट्रेचिंग ओके आगे बात करते हैं सिक्सटी सेवन नंबर की तो सिक्सटी सेवन नंबर का क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक इज यूज टू डिटरमाइन द प्रोटीन सीक्वेंस तो इसका आंसर हो जाएगा डी मीन्स मास स्पेक्ट्रोस्कोपी ओके आगे बात करते हैं हम सिक्सटी एट नंबर की तो दिया हुआ है टेस्टिंग यूज्ड फॉर फाइंडिंग आउट विच फंक्शन ग्रुप प्रेजेंट इन द कंपाउंड कॉल्ड एज द इसका आंसर हो जाएगा ए मींस क्वालिटेटिव एनालिसिस सिक्सटी नाइन नंबर का क्वेश्चन है विच वन इज नॉट क्रोमोफोरिक ग्रुप तो इसका आंसर हो जाएगा बीमेंस एमिनो ओके सेवेंटी नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा देख सकते हैं आप दिया हुआ है द रीजन ऑफ यू वी स्पेक्ट्रम इज तो इसका आंसर हो जाएगा बीमिन टू थाउजेंड टू फोर्थ थाउजेंड एंग आगे दिया हुआ है सेवेंटी वन नंबर का क्वेश्चन हाउ कैन द डी एन ए फ्रेगमेंट बी सेपरेटेड फ्रॉम डी एन ए तो इसका आंसर हो जाएगा बीमेंस इलेक्ट्रोफेफोरेसिस ओके सेवेंटी टू नंबर के क्वेश्चन की बात हम करेंगे तो दिया हुआ इसका क्वेश्चन फोर्स कांस्टेंट इज एक्सप्रेस इन तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स डी यानी कि ऑल मतलब ए क्वेश्चन जो ए ऑप्शन है आपका डाइन सेंटीमीटर इन्वर्स वो भी हो जाएगा बी क्वेश्चन जो है एम डाइन ए ओ इस इनवर्स ये भी हो जाएगा और एन एम इनवर्स जो है वो भी हो जाएगा तो इसका आंसर हो जाएगा डी ओके okay? नंबर का क्वेश्चन दिया क्वेश्चन है द मोस्ट कॉमनली यूज लेजर फॉर रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी तो इसका आंसर हो जाएगा ओके तो आगे okay? बात करते हैं सेवेंटी फाइव नंबर क्वेश्चन की तो इसमें दिया हुआ इन रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी द रेडिएशन लाइज इन द तो इसका आंसर हो जाएगा विजिबल रीजन तो फ्रेंड्स ये था माशा कुमरी यूनिवर्सिटी का केमिस्ट्री का मेजर सब्जेक्ट जो केमिस्ट्री है उसका आंसर की आई हो फ्रेंड्स आपको ये वीडियो समझ में आई हो और अच्छी भी लगी हो फ्रेंड्स अगर आप दूसरी यूनिवर्सिटी से हैं तो ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है और अगर आपके यहाँ ऑब्जेक्टिव हो रहा है तो ओके okay फ्रेंड्स और अगर आप माशा कुमरी यूनिवर्सिटी से हैं तो ये आपके लिए इसलिए हेल्पफुल होगा क्योंकि आपको पता लग जाएगा कि आपने एक हिसाब से पेपर दिया है इस हिसाब से उस हिसाब से कैसे नंबर आपके आए होंगे ओके okay फ्रेंड्स तो आप हमारे चैनल पर बने रहिए और वेट कीजिए नेक्स्ट वीडियो का क्योंकि नेक्स्ट वीडियो मैं अपलोड करने वाली हूँ मैथ्स का जो माशा कुमरी यूनिवर्सिटी का था पेपर उसका आंसर की अपलोड करने वाली हूँ तो अगर वीडियो लाए पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा चैनल को तभी आपको पता लगेगा कि आगे कौन सी वीडियोस आने वाली हैं और कौन सी नहीं फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाय और कमेंट में जो भी आपको डाउट होगा वो प्लीज़ बताइएगा और इसका पीडीएफ जो है वो टेलीग्राम चैनल पर मैं अपलोड कर दूँगी आप वहाँ से भी ले सकते हैं अगर आप ग्रुप में जुड़े हुए हैं और अगर नहीं जुड़े हुए हैं तो जुड़ जाइएगा और डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक भी दे दूँगी और जो मैंने फ़िज़िक्स की बनाई हुई थी आंसर की उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी अगर वो नहीं देखी है अब तक तो, तो उसे भी देख लीजिएगा वो भी आपके लिए हेल्पफुल होगी